मेरी उनसे मंगनी हुई, कोई शादी तो नहीं हुई कि मैं उनके गुलाम बनकर हर बात का ख्याल करती। देखती हो तुम इसका अंदाज, ना दिन का पता चलता है ना रात का। आज की हमारी वीडियो माजी की बहुत ही खूबसूरत और मासूम चेहरे वाली प्यारी सी अदाकारा सिमी जैदी के मुतालिक होगी। जब तुम्हारे लिए माँ बाप को छोड़ दिया तो ये ऐशा राव क्या हैसियत रखते हैं? देखना जन्नत। सिमी जैदी जिसका निक नेम गुड़िया है किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं, 80 और 90 के मशहूर टीवी ड्रामों में नजर आई। सिमी जैदी जिसने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में मॉडलिंग गुलकारी समेत फिल्मों में भी काम किया। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने सिमी जैदी के मुतालिक मालूम देने की फरमाइश की थी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। सिमी जैदी की फैमिली में से उसकी वालदा पहले से ही शोबिस के साथ वाबस्ता थी, जिसका नाम था खुर्शीद बेगम, मगर शोहरत तानी बेगम के नाम से मिली। तानी भी बहुत नफीस अदाकारा है जिसने बतौर सपोर्टिंग रोल फिल्मों और ड्रामों में अदाकारी की। तकरीबन 125 के करीब फिल्मों में काम किया। तानी के 5 बच्चे हैं जिनमें से एक बेटी का नाम है सिमी जैदी। सिमी जैदी का शुमार पाकिस्तान के सीनियर फनकारों में किया जाता है। 2 फरवरी 1973 को लाहौर में पैदा हुई। सिमी जैदी की वालदा चूंकि शोबिस में थी तो उसी को देखकर सिमी जैदी को भी शोबिस में काम करने का शौक पैदा हुआ। ग्रेजुएशन तक तालीम हासिल की। सिमी जैदी ने बतौर चाइल्ड स्टार पाकिस्तानी फिल्मों और ड्रामों में एंट्री की। मुख्तलिफ फिल्मों और ड्रामों में चाइल्ड स्टार के तौर पर देखी गई। 90 की दहाई में पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में इंटर हुई, मुख्तलिफ ड्रामों और फिल्मों में सपोर्टिंग रोल में नजर आईं। ड्रामा सीरियल कशकोल वजह शोहरत बना। कशकोल 1993 में रिलीज हुआ और बहुत कामयाब हुआ। इसके अलावा ड्रामा सीरियल कसक में भी सिमी जैदी नजर आई। 1997 का मशहूर मरूफ ड्रामा सीरियल जिसने कामयाबी के रिकॉर्ड कायम किए और यही ड्रामा सिमी जैदी की वजह शोहरत बना। ड्रामा सीरियल आशियाना जो कि पीटीवी पर रिलीज हुआ। क्या हमने अपनी खुशियां खुद तलाश करने का फैसला कर लिया है? हमारे अम्मा के पास जा रहे हैं कसूर अपनी गाड़ी में। खुदा। इस ड्रामे में सिमी जैदी का नाम सपना था। आशियाना में उस वक्त की बहुत बड़ी कास्ट शामिल थी जिसमें कवि खान, अरफान खोसट, वसीम अब्बास, सिमी जैदी, मारिया वास्ती समेत जवेद कोडू और काशिफ महमूद भी थे। इस ड्रामे की कुल 15 एक साथ थी और इसके राइटर मुन्नू भाई थे। ड्रामा सीरियल आशियाना अपने वक्त का मशहूर मकबूल टीवी सीरियल रहा जिसमें सपना के किरदार को बहुत पसंद किया गया जो कि सिमी जैदी ने निभाया था। यहां से ही सिमी जैदी के अरूज के दौर का आगाज हुआ। शायद बहुत कम लोगों को मालूम हो कि सिमी जैदी ने पाकिस्तानी फिल्मों में भी काम किया। बतौर चाइल्ड स्टार 80 की दहाई में फिल्मों में अपना डेब्यू किया। फिर सिमी जैदी की पहली फिल्म का नाम था गुनाह जो बहुत कामयाब हुई। ये फिल्म 1993 में रिलीज हुई। इस फिल्म में सिमी जैदी का नाम अंबर था। फिल्म में दीगर कास्ट कुबरा खानम, साउद, महमूद सुल्तान और सिमी जैदी थी। फिल्म धड़कन और हम तुम्हारे हैं में अपना असल नाम सिमी जैदी रखा। इसके अलावा भी कई फिल्मों में काम किया जिनमें फिल्म सांवल और दुनिया 10 नंबरी। दुनिया 10 नंबरी में सलीम शेख के साथ हीरोइन आई। सिमी जैदी जिस कदर ड्रामों में कामयाब हुई वैसी कामयाबी फिल्मों में हासिल ना कर सकी। इसके बाद सिमी जैदी ने गुलकारी के मैदान में भी कदम रखा। सिमी जैदी का मशहूर मरूफ गाना जिधर जिधर नजर गई खुशबू सी बिखर गई, ये गाना बहुत मशहूर हुआ। जिधर जिधर नजर गई खुशबू सी बिखर गई, मेरी शाम को तूने आकर। खूबसूरत शौक चंचल हसीना अपनी मुस्कुराहट से स्क्रीन पर चार चांद लगा देने वाली सिमी जैदी हमेशा ही सबकी नजरों का मरकज रही। सिमी जैदी ने 90 की दहाई के मशहूर मरूफ स्टेट ड्रामा शर्तिया मिठे में भी एंट्री की। स्टेट ड्रामा शर्तिया मिठे में फिल्म स्टार साहिबा को कास्ट किया गया था, मगर साहिबा की वालदा निशो ने साहिबा को स्टेज पर परफॉर्म करने से रोक दिया क्योंकि यह साहिबा के कैरियर का शुरुआती दौर था और निशो नहीं चाहती थी कि साहिबा स्टेज में आकर अपने कैरियर को नुकसान पहुंचाए। वो अलग बात है कि शर्तिया मिठे ड्रामा जितना मकबूल हुआ शायद ही कोई और स्टेज ड्रामा हुआ हो। शर्तिया मिठे ने इस ड्रामे में काम करने वाले हर किरदार को बामे अरूज पर पहुंचा दिया। पिछले चंद सालों से सिमी जैदी का शुमार गुमनाम यानी लॉस्ट एक्ट्रेसेस में होता था। सिमी जैदी के चाहने वाले उसको दोबारा टीवी स्क्रीन पर देखना चाहते थे। फैंस की जानिब से बहुत इसरार किया गया कि वो दोबारा स्क्रीन पर जलवागर हों। सिमी जैदी ने दोबारा शोबिस तो ज्वाइन नहीं किया, अलबत्ता सोशल मीडिया जरूर ज्वाइन कर लिया है जहां वो अपनी मुख्तलिफ तस्वीर शेयर करती रहती हैं। शादी के बाद शोबिस को हमेशा हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया और अमेरिका शिफ्ट हो गई। सिमी जैदी के माशाल्लाह 2 बच्चे हैं जिनमें से एक बेटा और एक बेटी है। इस वक्त अमेरिका मैरीलैंड में मुकीम है। अपने शोहर और बच्चों के हमरा खुशहाल अजवाजी जिंदगी गुजार रही हैं। मैरीलैंड में बुटीक का कामयाब बिजनेस चला रही हैं। स्क्रीन पर आप सिमी जैदी की ताज़ा तस्वीर भी देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए अभी हमारा चैनल विजिट करें। पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री के पुराने चेहरे जो पर्दा स्क्रीन से बिल्कुल गायब हैं
या जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अगर आप उनके बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप माजी के सैकड़ों फनकारों के मुतालिक जान सकते हैं। वीडियो के आखिर में हम चंद पाकिस्तानी लेजेंड टीवी एक्ट्रेसेस की वीडियोस के थंबनेल शेयर कर रहे हैं, जिनके बारे में हमने पिछले ही हफ्ते वीडियोस अपलोड की हैं, जिनको देखने वालों ने बहुत पसंद किया है। अगर आप भी ये वीडियो देखना चाहते हैं, इन वीडियोस का लिंक भी आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आखिर में हम अपने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिनकी वजह से आज माशाल्लाह हमारा चैनल इतना बड़ा हो चुका है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको फौरन सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाया करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।